विराट कोहली इंडियन क्रिकेट और वर्ल्ड कप का एक ऐसा नाम जिसके सामने हर एक रिकॉर्ड बहुत ही छोटा साबित होता है, लेकिन जितनी तारीफ उनकी बल्लेबाजी, उनकी फॉर्म की, उनकी फील्डिंग, उनके रिकॉर्ड्स की होती है, उतनी ही चर्चा उनकी कप्तानी और कप्तानी छोड़ने की होती है। साल 2021 और विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, फॉर्म थोड़ी नदारद थी और उस समय T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले विराट एक फैसला लेते हैं कि ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा बतौर कप्तान T20 फॉर्मेट में, और इसी के बाद इंडियन क्रिकेट में आता है एक बड़ा भूचाल। भूचाल कप्तानी का, भूचाल BCCI और एक खिलाड़ी के बीच लड़ाई का, और इसके बाद विराट को वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी से भी हाथ धोना पड़ता है। और विराट कोहली के फैंस को लगता है कि इसके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ है जिसका नाम है सौरव गांगुली। फैंस ने आरोप लगाया कि उस समय के BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने साजिश के तहत विराट कोहली को कप्तानी से हटाया है, जिसके बाद सौरव गांगुली ने कई बार अपनी बात कही कि विराट की कप्तानी जाने में उनका हाथ नहीं है। अब एक बार फिर दादा ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कोहली पर बयान दिया है। उन्होंने अपनी बात सामने रखी है, कहा, मैंने विराट को कप्तानी से नहीं हटाया था, मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ। कोहली T20 में टीम को लीड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए जब उन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप T20 में टीम को लीड करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो बेहतर होगा कि आप पूरे व्हाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी से हट जाएं, क्योंकि व्हाइट बॉल में दो कप्तान नहीं रह सकते, एक व्हाइट बॉल और एक रेड बॉल वाला कप्तान रहने दीजिए। लेकिन अगर बात करें विराट के पक्ष की, तो विराट का कहना था कि T20 कप्तानी छोड़ने की बात मैंने सबसे पहले BCCI को बताई, उसको बहुत अच्छी तरह से रिसीव किया गया, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 की कप्तानी मत छोड़िए, बल्कि उसकी तारीफ की गई थी। तब मैंने ये भी कहा था कि मैं वनडे टेस्ट की कप्तानी करना चाहूंगा। इसके कुछ समय बाद ही विराट कोहली से वनडे की कप्तानी भी ले ली गई थी और विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी, और उसके बाद विराट कोहली टीम में बतौर खिलाड़ी खेल रहे हैं। उसके बाद टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा के हाथों में आई। रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फैंस का एक वर्ग ऐसा भी है जिन्हें लगता है कि विराट कोहली के जाने के बाद उनके जैसा कप्तान नहीं मिला है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।